हेलो एवरीवन, मैं फ़ातिमा अंसारी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेफ़ फ़ातिमा में। आज हम बनाएंगे उड़द गोश्त, जो यूपी के बिजनौर की फेमस और ट्रेडिशनल डिश है। ये वहाँ ज़्यादातर शादियों और दावतों में बनाई जाती है और अब तो ये डिश हर जगह फेमस है और बहुत ही डिलीशियस भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उड़द गोश्त बनाने के लिए लेंगे 1 कप उड़द। इसे वेट में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम है। इसे मैंने 2 घंटे पहले सोक करके रख लिया और जो एक्स्ट्रा वाटर था मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया। उड़द को उबालने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम मसाले देख लेते हैं इसके। 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 बेलीफ, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी, 1 से 2 हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें डालेंगे हम अपनी उड़द और इसमें अपने सारे मसाले डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेज़पत्ता, दालचीनी, हरी मिर्च, सौंफ, नमक, मिर्च, हल्दी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जितनी दाल है उससे डबल पानी डालेंगे। अगर इसे कप से मेजर करेंगे तो ये 2 से 3 कप होगा। अब हम इस पर लिड लगाएंगे और एक विसल के बाद 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही बॉईल होने देंगे। जब तक हमारे उड़द बॉईल हो रहे हैं तब तक हम उसके गोश्त की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम लेंगे 1 किलो मटन, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 10 से 15 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिए क्योंकि हमने दाल में भी डाली है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने फाइन स्लाइस में चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब एक कुकर गरम करेंगे। जब कुकर गरम हो जाए तो उसमें 1/2 कप ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो उसमें हम सारे अपने खड़े मसाले डाल देंगे। हल्का सा सौते करेंगे इसे 10 सेकंड्स के लिए और अब इसमें प्याज डालेंगे और इसे हल्का पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी हो गई है, अब हम इसमें अपने मटन के पीसेस डालेंगे। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, अपने सारे पाउडर मसाले, और टमाटर। इन सबको डालकर हम 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। 2 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसके ऊपर लिड लगाएंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 4 से 5 विसल देंगे और उसके बाद गैस बंद कर अपने आप ही प्रेशर आउट होने देंगे। प्रेशर आउट हो गया है तो चलिए इसे हम खोलते हैं। ये देखिए कुक हो चुका है, गैस ऑन करेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर भुनेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। मटन हमारा भुन चुका है, ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। गैस बंद करते हैं और अपनी दाल चेक करते हैं। इसका प्रेशर अपने आप ही निकलने दिया मैंने, अब हम इसे खोलकर देखते हैं। ये देखिए ये परफेक्टली कुक हो चुकी है। हम इसे प्रेस करके थोड़ा सा देख लेंगे। ये देखिए ये आराम से प्रेस हो रही है। अगर आपकी दाल कच्ची रह जाती है तो आप बिना चम्मच चलाए लिड लगाकर 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर और पकने दें। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे और इसे मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने से दाल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाती है
और जब हम इसमें अपना भुना हुआ मटन डालेंगे तो वो भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसमें एक ग्लास पानी और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसे। पानी हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे क्योंकि उड़द बहुत थिक हो जाती है। अब हम इसमें अपना भुना हुआ मटन ऐड करेंगे। इस तरह से हम सारा मटन इसमें ऐड कर देंगे और कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर उस मसाला भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उड़द गोश्त थोड़ा थिक ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें पानी हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसमें एक ग्लास पानी और हम ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद जब इसमें एक उबाल आ जाए तो हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। अब देखिए इसमें एक उबाल आना शुरू हो गया है, इसी टाइम पर हम इसे स्लो फ्लेम पर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। इससे हमारा मटन और दाल एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी दाल नीचे लगे नहीं, क्योंकि ये बहुत थिक है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। इसे मिक्स करेंगे एक बार और। ये देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। 1/3 कप इसमें हरा धनिया डालेंगे जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हरा धनिया डालने से उड़द गोश्त का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। बस गैस की फ्लेम बंद करते हैं, हमारा उड़द गोश्त तैयार है। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से और इसके ऊपर डालेंगे अदरक के जुलियन। हमारा उड़द गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।